दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ हिमाचल के फेमस ट्राउट फिश के फार्म में, जहाँ हिमाचल में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली ट्राउट फिश की फार्मिंग की जाती है। और यहीं से फ्रेश फिश खरीद के हम मनाली कुल्लू हाईवे पर लोकल टेबल नाम से फेमस रेस्टोरेंट में इसको गोवा के प्रोफेशनल शेफ से अमूल बटर में इसकी ट्रेडिशनल मेकिंग करवाएंगे और आज आपको इसकी पूरी मेकिंग दिखाएंगे और खा करके भी बताएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं हूँ मनाली में। और मनाली में मैं आज एक जगह आया हूँ जो कि जिसका जो नाम है ना वो है लोकल टेबल। लोकल टेबल एक ही रेस्टोरेंट है, ये मनाली टू कुल्लू रोड पर आपको मिलेगा, बिल्कुल मेन रोड पर ही है। और यहाँ की खास बात यह कि यहाँ पर बनाई जाती है हिमाचल में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली रेनबो ट्रॉट फिश। और ट्रॉट फिश यहाँ पर आप चाहें तो इनसे भी लेके बनवा सकते हैं, या फिर यहीं से एक 500 मीटर की दूरी पर एक फार्म है जहाँ पे ट्राउट फिश का फार्म है, वहाँ से आप फ्रेश भी जा करके खरीद सकते हैं और वो भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। चलिए हम भी सबसे पहले चलते हैं ट्राउट फिश फार्म में, वहाँ से फिश लेते हैं और समझते हैं कि वहाँ कैसे फार्मिंग होती है, उसके बाद में फिश लाएंगे और यहाँ बनवाएंगे और आपको पूरी मेकिंग दिखाएंगे। आइए। अच्छा, आपका नाम सर? प्रेम। तो प्रेम जी, ये मेरे को समझाओ इसके बारे में, ये कैसे होती है यहाँ पे फिश पालन? इसको पहले फिश हम जैसे ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है जी, उसमें तैयार कर देते हैं हम, जैसे ब्रीड हो गया छोटा आपका, उसको फिर टैंक में बड़े उसमें डाल देते हैं। किस साइज से पहले आप सेल नहीं करते इसको? जब 300 ग्राम का होगा, 300 ग्राम का एटलीस्ट होना चाहिए, है ना? अच्छा, ये वाली जो है, जैसे ये सबसे छोटे मछलियाँ हैं सेक्शन में, है ना जी, तो इस सेक्शन में कितनी मछलियाँ होती हैं और ये क्या वेट होता है? जैसे अब छोटा टैंक है ना, है 2,000 के बीच है ये। 2000 फिश है? हाँ, 2000 पीस। और क्या इनकी एज होगी या क्या साइज होगा इनका? ये मैक्सिमम पिछले साल का नवंबर का है। एक साल की है ये फिशेज? एक साल की है। इनको बिकने लायक होने में कितना समय लग जाता है? मैक्सिमम 2-2.5 साल। 2-2.5 साल लग जाते हैं। तो दोस्तों देखो, ये इन्होंने नेट ले लिया है और एक निकाल के दिखाएंगे जो, अच्छा इसमें ज़्यादा है, हाँ इसमें ज़्यादा है ना, ये देखो दोस्तों, ये देखो कितनी सारी है इसमें। ये मैक्सिमम सेल में सेल के लिए रहेगा ये वाला? हाँ जी, 300 ग्राम का, तो ये 300 ग्राम किलो में, ये देखो किलो में 3 पीस आएगा। किलो में 3 पीस? हाँ जी। तो 1 किलो का क्या प्राइस होता है? 1 किलो का 550 पर केजी। और अगर मैं ऐसी ये एक ही फिश लेना चाहूँ तो? ये 200 का आएगा, है ना? और ये एक फिश मेरे ख्याल से एक आदमी के लिए सफिशिएंट होती होगी? बहुत सर, बहुत है ना। तो ये एक फिश आप हमें दे दीजिए। आइए सर, हाँ। आपको दिखाते हैं। कौन सी वाली फिश? ये 2 किलो वाला ब्रीडिंग वाला। वो अलग जगह करते हो क्या? हाँ सर, वो ऊपर। अब चलते हैं, देखते हैं जो 2 से 2.5 किलो की जो फिशेज है ना, वो अलग जगह रखी हुई है। और क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीजन है तो ये लोग उस साइज की फिशेज को बेचते नहीं है, लेकिन हमने कहा एक बार दिखा तो दीजिए, तो हम लोग देखने जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वो साइज़ क्या होता है। ये है सर। ये है क्या? हाँ जी, ये जो है हमारा ब्रीडिंग वाला है। ये है ब्रीडिंग वाला? हाँ जी, जिससे हम बच्चा तैयार करते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये लीजिए। क्या साइज़ है यार, दोस्तों देखो क्या साइज़ है ये, बहुत ही शानदार। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। इससे आपको मैं जो हम जहाँ हम ब्रीड करते हैं वो भी बताते हैं। चलिए सर जी, शुरू हमारा यहाँ से होगा, यहाँ से हम बच्चा तैयार करते हैं, जो 2-2.5 किलो का है ये सर। अरे ये तो बहुत छोटे छोटे हैं। हाँ जी, ये देखो दोस्तों, ये हैं जो अभी शायद हुई ही हैं फिशेज। ये है पिछले नवंबर का है। पिछले नवंबर का है? 2022 का। अच्छा। हाँ जी जी, इसको मैक्सिमम 2-2.5 साल लगेगा तैयार होने में। फिर इसको बाहर ले लोगे? तब हम सेल के लिए इसको तैयार करेंगे। मतलब पूरा जो है वो प्रोफेशनली काम हो रहा है यहाँ पे, यहीं से है ना? और ये प्राइवेट है ना? प्राइवेट सर। और यहाँ पे मैंने सुना सरकारी भी है? सरकारी सामने है, उस तरफ है। हाँ जी। तो ये क्या डाल रहे हो अभी? दाना है जी इसका, फीड दाना है। हाँ। ये देखो दाना डालते ही कैसे उछलने लगे, दाना डालते ही पकड़ लिया, देखो धोखा कर दिया आपने इनके साथ। हाँ नहीं सर, अब इसमें से जो भी बड़ी हो ना थोड़ी वो निकाल देना और फिर उसका वेट करते हो ना शायद आप? हाँ जी। हाँ जी, ये देखो दोस्तों, ये है ट्राउट फिश मनाली की। ये कहाँ की ब्रीड होती है? हिमाचल की? नहीं सर, तो नॉर्वे की है। नॉर्वे की? हाँ जी। हिमाचल में सबसे ज़्यादा मेरे को मैंने सुना था ये यही खाई जाती है ट्राउट फिश। यस सर, यस।
तो ये देखो दोस्तों, सबसे पहले इसका वेट किया जाता है और इसका वेट आ रहा है आप देख सकते हो 388, तो लगभग 400 के आसपास होगा, है ना। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पर पहले ये लोग फिश पकड़ते हैं फ्रेश, उसके बाद में सफाई करके देते हैं और फिर आप फ्रेशली इसको बनवा सकते हो, है ना। ऐसे कितने टाइम फ्रेश रहती है एक बार निकालने के बाद? अभी तो सर मैं आजकल तो 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, 2-3 घंटे बस। हाँ, उसके बाद थोड़ा लूज हो जाएगा। अच्छा। हाँ, बिखरना शुरू हो जाएगा ना, जो आपका इतना सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो प्रेम जी, ये लोग क्या फार्म भी देखने आते हैं यहाँ पे? जी सर, जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट वगैरह। अच्छा। वो फार्म देखने यहाँ एक बार जरूर आते हैं। तो ये फार्म का भी कोई टाइमिंग होगा? टाइमिंग सवेरे से 7 बजे से शाम को 5 बजे 6 बजे तक। अच्छा। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे तो लोग मतलब फार्म देखने भी आते हैं, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेमबो ट्राउट फिश ₹550 पर केजी, फिश क्लीनिंग ₹10 पर केजी, है ना। और हमने यहाँ से तकरीबन 388 यानी 400 ग्राम के लिए ₹200 की हमको पड़ी है, लेकिन वो हमारे लिए, है ना। हाँ जी सर। वैसे समथिंग ₹250 के आसपास। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो सर। हाँ, तो सर आपका नाम? मेरा दीपक है सर। दीपक जी। हाँ जी। तो दीपक जी, आप कब से कर रहे हो यहाँ पे? मेरा हो गया 10 महीना हो गया जी, 10 महीना शुरू हो गया। और उससे पहले? उससे पहले मैं गोवा। अच्छा, गोवा में थे। हाँ जी। फिर तो बहुत तगड़ा अनुभव होगा फिश का। हाँ जी, फिश का तो मेरे पास हर आइटम का वो होता है जी। क्या बात है। तो ये लोकल टेबल यहाँ पे कब से है रेस्टोरेंट? ये हमने 10 महीना हुआ ओपन किया हुआ जी, 10 महीना अच्छा चल रहा है जी हमारा। अच्छा चल रहा है जी, बढ़िया। टूरिस्ट बड़े अच्छे है, लोकल कस्टमर अच्छे है। और क्या क्या बनता है यहाँ पे? हमारे पास सारा कुछ मिलेगा, तंदूरी मिलेगा, तंदूरी चिकन, बटर चिकन, चिल्ली चिकन वगैरह, राड़ा चिकन, लेमन चिकन, दाल फ्राई, दाल मखनी, सारा बनता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, है ना। मिलता है जी। लेकिन मैंने सुना है आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है यहाँ की ट्राउट फिश। ट्राउट फिश, हाँ जी, है ना। हाँ जी। तो उसकी मेकिंग मैंने सुना है आप बहुत बढ़िया करते हो। बढ़िया। तो आज मैं भी लाया हूँ आपके लिए ट्राउट फिश, हाँ जी, वहाँ से फार्म से खरीद के। हाँ जी। तो आज हमारे लिए आप मेकिंग कीजिए प्लीज, है ना। हाँ जी। और एक बात बताइए, अगर कोई अपनी फिश लाता है तो आप कितने में मेकिंग करते हैं? 150 का होता है जी। 150 में आप मेकिंग करके दे? मेकिंग करके, पूरा मेकिंग करके दे देंगे। बहुत बढ़िया। और अगर फिश भी आपसे खरीदी जाए? फिश खरीदी जाएगा तो हम ऐसे तो 600 है वन पीस का, हम 500 में दे देंगे। 500 में वन पीस। 500 में वन पीस। और वो कितने किलो, मतलब कितने साइज के होगी? वो 400 ग्राम का होता है जी, 400 ग्राम, 450 ग्राम, 450 ग्राम, 500 रुपए में हो जाएगा। हाँ जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं जो आपके लिए लाया हूँ ना, वो ये वाली है। हाँ, ये 400 ग्राम का जी। ये 400 ग्राम का, है ना। हाँ जी। तो ये फिश अच्छा होता है, आप सिर्फ 150 लोगर्स को बना दोगे? हाँ जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत। करें स्टार्ट मेकिंग? करें जी। चलिए जी, दिखाते हैं लोगों को। तो दोस्तों देखो किस तरीके से पहले इसको साफ किया जा रहा है, उल्टा करके कर रहे हो ना ये? हाँ जी। बहुत बढ़िया। ये बहुत फिसलती है ना हाथ से? हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो हर फिश फिसलती है, हर फिश फिसलती है, लेकिन ये तो टिकी नहीं रही थी हाथ में। हाँ, मेरा अंगूठा फंसा दिया इसके गिल्स होते हैं ना। हाँ जी। उसमें, और फिर मैंने उठाया इसको। पहला एक्सपीरियंस था मेरा भी। हाँ ये ठीक है। तो इसके वो सारे ऊपर से उतार दिया आपने? सारे उतार दिए। ओके। अब इसको मैं चीरा लगाता हूँ जी। एक दो, मतलब ऐसे सारे चीरा लगा दोगे? राइट जी। बहुत बढ़िया। तो मैंने सुना है कि यहाँ पर ही मिलती है ये फिश? हाँ जी, है ना, हिमाचल की। हाँ, हिमाचल में मिलती है ये फिश, है ना। हाँ जी। तो और कहीं नहीं मिलती? और जगह आपको नीचे ब्रोड में और ये हिमाचल में। अच्छा। तो ये देखो दोस्तों, ये लगा रहे हैं कट, और कट लगाने के बाद इसकी मेकिंग शुरू होगी। बाकी बहुत ही प्रोफेशनल है, है? हाँ जी, शानदार। तो मैं इस तरह से पहली बार एक फिश तैयार करवा रहा हूँ, पता है आपको? हाँ जी। तो आप कोशिश कीजिएगा परफेक्ट बने। परफेक्ट बना के देंगे। बहुत बढ़िया। लेमन, और लेमन काटने के बाद आप इसके ऊपर स्क्विश कर रहे हो? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे क्या क्या होता है इस मेकिंग में, है ना, लेमन डालने से? लेमन डालने से थोड़ा इसका जो मच्छी का वो होता है ना, स्मेल आता ना। हाँ, वो हट जाता है जी। वो हट जाता है। हाँ जी। और इसका मीट अलग अलग होने से बच जाता है। ओके। हाँ, ओके, नहीं तो अलग अलग हो जाता है। हाँ जी। ये देखो दोस्तों, एक टिप आपको मिली, अगर आप फिश खाते हैं या फिर घर में बनाते हैं तो ये एक टिप है, मैं पूरा अंदर तक चला जाता है। ये देखिए, बहुत ही शानदार। इसमें जाएगा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर। हाँ जी। तो दोस्तों देखो, ये ब्लैक पेपर डल रहा है इसके ऊपर, फिश के ऊपर। सॉल्ट। सॉल्ट, ये सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट है? हाँ जी, नॉर्मल सॉल्ट। ओके। हाँ, ये क्या है? रोजमेरी। रोजमेरी। तो ये रोजमेरी भी डाल दी इन्होंने देखो इसके ऊपर।
अब इसको थोड़ी देर मसाज करेंगे, मसाज करके ट्रीटमेंट करके रख देंगे, उसके बाद मसाला बन जाएगा दूसरे जगह। अच्छा, तो ये पूरा जो इस प्लेट में है वो लेमन जूस है? हाँ जी, ये लेमन जूस है जी। सर ये दो आपने कर दिया इसको सब कुछ है ना, तो इसके बाद इसको ऐसे कितनी देर रखते हैं? इसको ये छोटा है ना, हाँ, इसको 20-25 मिनट रखना पड़ेगा ऐसे, बाकी दूसरा रेड मसाला में उसको भी 15 मिनट रख। उसके बाद में और एक मसाले से मैरिनेट करके 10-15 मिनट वही लगेगा, 10-15 मिनट और लगेगा राइट। तो दोस्तों ये रेडी होते होते आधा घंटा लग जाएगा जी। अरे वाह जी, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे स्वाद के लिए, तो क्या दिक्कत है, नहीं बिल्कुल फ्रेश फिश है ना। हाँ जी। और ये क्या, चीज? चीज। अच्छा, चीज भी डलता है इसमें? हाँ जी। क्या बात है जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने बना रखी है? हाँ जी। ये आपने डाल दिया चीज में? हाँ जी। चीज कौन सा आपने यूज किया? अमूल, अमूल चीज। हाँ जी, बहुत सही है। अभी ये मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट। हाँ जी, मस्टर्ड पेस्ट के बिना तो फिश का कोई वो नहीं होता जी, मजा ही नहीं है, मजा नहीं होता ना, मेन फ्लेवर होता है, मेन फ्लेवर यही होता है जी। आपका किचन भी बहुत सही है वैसे तो। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनके रेस्टोरेंट के अंदर भी एक किचन है, लेकिन जब फिश मेकिंग ये करते हैं ना, और ये क्या है, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, बहुत बढ़िया। हाँ तो जी, मैं बता रहा था एक अंदर भी है ना आपका किचन? हाँ जी। और ये बाहर भी है किचन? बाहर। यहाँ पे सनलाइट अच्छी है इसलिए हम लोग यहाँ शूट करें, तो आप हमेशा यही बनाते हो कि अंदर भी बनाते हो? यही बनाता हूँ मैं, फिश यही बनाते हो? फिश यही बनाता। और अंदर बनाते हो बाकी की चीजें? बाकी की चीजें अंदर, और तंदूरी चिकन यहाँ बनता है जी, तंदूरी चिकन, तंदूरी टिक्का, वेज टिक्का सब यहीं बनता है जी। अच्छा, नॉन वेज एक वो वाला पार्ट आपने यहाँ रखा हुआ, बहुत बढ़िया। और ये देख सकते हो तैयारी हो रही है, और ये मेन रोड है मनाली जो कुल्लू की तरफ जा रहा है, है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट। और ये तैयारी हो रही है इसकी मैरिनेशन की? मैरिनेशन की तैयारी। कौन सी मिर्ची है? देगी मिर्च। देगी मिर्च कलर के लिए? हाँ जी, स्पाइसी। ये क्या है? स्पाइसी चिली। हाँ जी। अच्छा, वो फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स, बहुत बढ़िया। सॉल्ट, सॉल्ट। अब हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे। क्या बात है जी, ये देखो ये बन रहा है इसका मैरिनेशन के लिए पेस्ट, पेस्ट। और फिर ये लगाया जाएगा इस फिश पे। वैसे एक बात बताइए सर, जो फिश होती है, हाँ जी, अभी तो अपन लेकर आए फ्रेश है, वैसे कितनी देर रखी जाती है फिश खराब हो, मतलब कितनी देर में हो जाती है खराब? खराब नहीं होगी जी, फिश खराब नहीं होती? नहीं होती जी, फ्रिज में रखा जाता है इसको साफ करके। डी फ्रीज करें तो नहीं होती? नहीं होती। वैसे फ्रेश फिश को अगर ऐसे ही रखा जाता है कितने देर में हो जाती है? ऐसे रखे तो शाम तक तो खराब हो जाती है। ऐसे बाहर तो खराब ही हो जाएगी। चलिए जी, अपन तो नहीं करेंगे खराब, अपन तो अभी खा जाएंगे इसको बना के ना। लो जी पेस्ट। ओके, ये डाल दिया इसके अंदर, अभी मैरिनेशन प्रोसेस हो गया स्टार्ट। बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल अंदर तक जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अंदर तक। क्या बात है दोस्तों, देखो तो इसकी जो मेकिंग होती है वो तवे पे होती होगी? तवे पे होती है। हाँ जी, ग्रिल होती है। आप ग्रेवी वाली थोड़ी बनाते हो? ग्रेवी दूसरा बन जाता है, अंदर ग्रेवी वाला चाहिए तो ग्रेवी वाला भी बना देता हूँ। अच्छा। हाँ जी, गोवन कड़ी, इंडियन कड़ी, तो जैसा गोवन करी भी, इंडियन करी भी सारी। हाँ जी। की ये फ्राई वाली ज्यादा अच्छी लगती है ट्रॉट, या फिर करी वाली अच्छी लगती है? फ्राई वाली अच्छी लगती है। फ्राई वाली? हाँ जी। तो अपन फ्राई बनवाएंगे आज, ठीक है? हाँ जी। ओके, रेडी करें? हाँ जी, रेडी करते जी। बहुत बढ़िया, ये रख दिया फ्राई पैन। नाउ अब इसको करेंगे लाइटर से ऑन। हाँ जी। बहुत बढ़िया। अब बटर, अब ये लिया जी अमूल बटर। क्या बात है, देखो जी, तो अमूल बटर यूज करते हो आप सब में, है ना? हाँ जी, सब अमूल बटर। कोई बोलता ना, जैसे कोलकाता के लोग होते, वो होते मस्टर्ड ऑयल में बना, मैं मस्टर्ड ऑयल में बना के देता हूँ। अच्छा, जिसको जिसमें पसंद है उसी में बना के देता हूँ। बटर से क्या फायदा होता है? बटर से सॉफ्ट बनती है, सॉफ्ट बनती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्तों, ये ले लिया है इन्होंने अमूल बटर। ओहो, और ये पूरा ही रख दिया इसमें? क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, मतलब अब दिख रहा है तजुर्बा। हाँ जी, अब लग रहा है गोवा में काम किया है 10 साल। बहुत ही सही। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, इन्होंने पूरा जो फ्राई पैन है उस अमूल बटर से, बिल्कुल पूरी टिकिया से इन्होंने बहुत ही अच्छे से अमूल बटर इस पर लगा दिया है। और अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिश आएगी। हाँ जी, अब फिश आएगी। तो ये देखो दोस्तों, ये है हमारी फिश, और ये लिया अब, और ये डाल दिया इस पर। क्या बात है यार, ये देखो दोस्तों, ये फिश बिल्कुल बटरी बटरी बटर में चली गई है। अभी इस पर देखो, ऊपर से भी ये जो मसाला है ना, ये डाला जा रहा है, और ये पूरा मसाला डाल करके अभी इसको कितनी देर एक साइड पकाते हैं? 5 मिनट बाद बदलना पड़ता है जी। 5-5 मिनट? 5-5 मिनट में। ओके, ये देखो किस तरह से बटर इसके ऊपर डाला जा रहा है। क्या बात है यार, मेरे को पता नहीं था कि मनाली में मेरे को इस तरह की ट्रॉट फिश मेकिंग मिल जाएगी।
बहुत ही खूब मजा आ गया आपसे मिलके सर। थैंक यू सर। रच बस जाएगा, देखो इसके अंदर भी यहाँ से डाला जा रहा है साइड से, बहुत बढ़िया और खुशबू बहुत सही आ रही है यार, है ना? हाँ जी, शानदार। पलटता रहो अब, ये देखो पलट दिया इसको, वाओ ये देखो किस तरीके से खुल गई है पूरी। इसके अंदर देखो ये बटर डाला जा रहा है, और मैं दोस्तों बता नहीं सकता आपको जो खुशबू आ रही है ना मेरे को मसालों की और बटर की, बहुत ही शानदार। और अभी आपने गैस थोड़ा सिम किया है ना? हाँ जी, थोड़ा स्लो में अच्छा रहता है जी। हाँ, स्लो में अच्छी पकती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ये देखो दोस्तों, ये है ट्रेडिशनल ट्राउट फिश मेकिंग मनाली में। और आपको पता है हम लोग हिमाचल में हैं, काफ़ी दिन से टूर कर रहे हैं, एक के बाद एक वीडियोज़ भी आप देख रहे होंगे। और ये आज हमारी एक और मेकिंग मनाली में। और ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है लोकल टेबल। लोकल टेबल मनाली और पतलीकुल कुल्लू की बीच में, इस एरिया का नाम पतलीकुल है जी। पतलीकुल, हाँ जी, NH4। एन एच फोर, हाँ जी, फोर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये है देखो मामला, और ये छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं, और ये बहुत ही धीमे से अब पकेगी, है ना? हाँ जी। ओ वाह, ये क्या कर रहे हैं सर आप? बटर डाल रहा हूँ जी हल्का। अरे वाह जी वाह, ये देखो दोस्तों ये हर एक जो स्लाइस इन्होंने की थी ना उसके अंदर देखो इस तरीके से बटर डाला जा रहा है, मतलब ये बहुत ही बटरी होती होगी, है ना? हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है, इस तरीके की सीरियसली मैंने मेकिंग कभी भी नहीं देखी है फिश की, जिस तरह से इन्होंने की है, और बहुत ही प्रोफेशनल तरीका। आप देख सकते हो हर एक में ये बटर इन्होंने डाला है, और बिल्कुल धीमे इनके कट्स में डाल के इन्होंने ये बनाया है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? नेक्स्ट इसका हम सजावट करके दे देंगे आपको पूरा। अच्छा, हाँ जी, सलाद चिप्स, फ्रेंच फ्राई उसके साथ सर्व होता है? उसके साथ सर्व होता है जी। क्या बात है। हाँ जी, और ग्रीन चटनी। और ग्रीन चटनी, हाँ जी। ये पलटी जा रही है, देखो ये इन्होंने पलट दिया, क्या बात है। तो अब ये मेरे ख्याल से पकने पे ही है? पकने में अब तैयार हो रही है, दो मिनट में तैयार हो जाएगा जी। दो मिनट में तैयार हो जाएगा। लेमन का पीस दाना नहीं आता इसमें, ऐसे कटिंग से। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है दोस्तों, देखो किस तरीके से काटे कि दाना नहीं आया, और बहुत अच्छी बात है, बहुत सही एक्सपीरियंस है। देखो ये सारी कटिंग इन्होंने की है, और अब हमारी जो है तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही है, मिक्स कर जी। और ये देखिए इसको ये पलट दिया, और ये उठाया, ये देखिए ये आ गई है हमारी इस ट्रे में, बहुत ही बढ़िया। लेमन स्लाइस, लेमन स्लाइसेस, क्या बात है जी। ये देखिए लेमन स्लाइसेस उन्हीं कटिंग्स में डाले जा रहे हैं, राइट? कट में लगा दिया जी, बहुत बढ़िया यार। इसकी रंगत देखो यार, इस फिश की कितनी सही लग रही है। ये हैं कुछ वेजीज, सलाद, सैलेड, क्या बात है, सलाद आ गया इसके ऊपर। प्रेजेंटेशन तो यार मतलब वही वाली है, गोवा वाली यार। हाँ जी। ये आगे फ्रेंच फ्राई, फ्रेंच फ्राइजेस भी डालते क्या इसमें? मसाला डाल के ये उठाया जा रहा है, और ये इसके ऊपर, मतलब मुझे मनाली में गोवा का पूरा फील मिल गया। हाँ जी। और देखिए ये आ गई जी इनकी मिंट चटनी, मिंट चटनी, ग्रीन मिंट चटनी, और ये भी आ गया इसके ऊपर लाइक दिस। ये है जी हमारी पूरी प्रेजेंटेशन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष, और जैसा कि आप सबको पता है मैं हिमाचल टूर पे हूँ, और अभी मैं हूँ मनाली में। मनाली हम लोग कल आ गए थे, और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठा और मुझे आना था एक डेस्टिनेशन पर, बट उससे पहले रास्ते में हमें दिख गया था एक हॉट एयर बैलून, और उस हॉट एयर बैलून का पूरा एक्सपीरियंस करके हम लोग आ गए हैं इस जगह पे जिसका नाम है लोकल टेबल। और लोकल टेबल तो पतलीकुल हाईवे पे ही है, ये आपको दिख जाएगा आपके राइट हैंड पे अगर आप मनाली से आ रहे हैं तो, जैसे कि हमको दिखा था, और हम रुक गए, और पूरा जो एक्सपीरियंस है हमारा वो बहुत ही शानदार था। ट्राउट फिश जो सबसे ज़्यादा हिमाचल में खाई जाती है वो उसकी फार्मिंग हो रही थी, जो यहाँ पे बनाने की इसकी कॉस्ट है ना वो 150 रुपीज़ है। 150 रुपीज़ में ये पूरी प्रिपरेशन आप देख सकते हो, कितनी शानदार प्रिपरेशन करके दी है यार इन्होंने। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, खा करके आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सबसे पहले देखो इसकी आप डिटेलिंग देखो, किस तरह से प्रेजेंटेशन करके दिया है इन्होंने, एक एक कट में एक एक स्लाइस लेमन का है, उसके अलावा सारी वेजीज इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है, सैलेड रखा हुआ है, इवन फ्रेंच फ्राइज विद चटनी। अब हम हाथ से ही एक बार उठाएंगे, ठीक है? ये देखो यार, मतलब छूने भर की देरी थी और हाथ में आ गया, देख रहे हो कितनी सॉफ्ट है, इसमें से धुआं भी निकल रहा है अगर आपको शायद दिख रहा हो तो। सी चटनी के साथ जो मस्टर्ड पेस्ट थी ना, उसका मतलब जब आप फर्स्ट बाइट लोगे ना तो मस्टर्ड पेस्ट जो डाली थी उसका सबसे पहले फ्लेवर आएगा, उसके बाद बटर का भी फ्लेवर आएगा,
बहुत सही है यार। देखो फिश तो सॉफ्ट होती ही है, बट जो फ्लेवर्स होते हैं ना, सारा कमाल उनका होता है। और मैंने पहले पूछा भी था इनसे कि क्या इसकी करी बनवानी चाहिए हमको कि इसको फ्राई करके बनवाना चाहिए, तो फ्राई वाला इन्होंने बोला ज़्यादा टेस्ट करता है और कर भी रहा है। वैसे देखो मैं ज़्यादा फिश लवर नहीं हूँ, लेकिन इसका टेस्ट ऐसा है कि रिपीट हुआ जा सकता है। और दूसरा, ये जो फिश होती है ना, ट्राउट फिश, ये एक कांटे की मच्छी होती है, बीच में ही कांटे होते हैं। ये जो इन्होंने कट्स लगाए ना, इनको आप देखो इस तरह से, और ये मैंने इसमें से उठा लिया है, तो कांटे देखो इसी में निकल गए हैं और ये फिश मेरे हाथ में आ गई है। ठीक है, अब आप इजीली खा सकते हो विद स्किन। मस्टर्ड पेस्ट का क्या टेस्ट आ रहा है यार, वो पूरा जो मैरिनेशन था ना जो इन्होंने लगा के 15 to 20 minutes रखा था, परफेक्ट टेस्ट। अब ना इसको एक बार, अब आप देखो मैं दो स्लाइसेस खा चुका हूँ, ये मैं तीसरा स्लाइस यहाँ से उठा रहा हूँ, ये देखो, और ये देखो यहाँ से हाफ, ये सी देख रहे हो आप, बहुत इजीली खा सकते हो। अगर आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली के साथ हो, तो भी ये वाली फ़िश लेकर के आप खा सकते हो, क्योंकि इसमें कांटे नहीं है तो हर कोई खा सकता है। थोड़ा सा और नींबू इसके ऊपर, ठीक है। और ये देखो कितनी सॉफ्ट है, मतलब टूट रही है इसके अंदर ही, सही। बहुत शानदार है। देखो मेरा मकसद है आपको हर वो जायका दिखाना जो वहाँ का लोकल हो। हम मनाली आए हैं, हिमाचल प्रदेश, लोगों ने बोला ट्राउट फिश यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो लोकल्स होते हैं, तो हम ढूंढ रहे थे कि कौन बेस्ट देता है। दो तीन जनों से हमने पूछा था, तो हमें ये लोकल टेबल के बारे में लोगों ने बताया। ढूंढते हुए हम लोग आ गए और उसके बाद में पूरी मेकिंग आपको दिखाई, फिश लेने से लेकर मेकिंग तक, उसके बाद में रिव्यू। मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिश और इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा है, जेन्युइन रिव्यू। फिश का जो टेस्ट है वो तो 20% है, बट जो 80% टेस्ट है ना, वो इसके मैरिनेशन का है, बहुत सही। बाकी देखो इसकी प्रेजेंटेशन में आपको फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाते हैं, वो भी आप खा सकते हो अगर आप सैलेड खाना पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से ये जो मेकिंग है ना 400 ग्राम की, दो जने आराम से खा सकते हैं, बाकी ज़्यादा लवर हो फिश के तो शायद एक जना भी निपटा दे इसको। तो दोस्तों देखो मैंने ये जो है ना यहाँ से पूरी फिश खा ली है, और आप देख सकते हो कांटे यहीं पर रह गए, अच्छे से इसको खा लिया है। अब हम एक बार आपको इसका लोकेशन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मनाली टू कुल्लू रोड पर है, पतली कुल हाईवे पे, लोकल टेबल। इसके टाइमिंग है रेस्टोरेंट के सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक। फिश आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं आपको वहीं से खरीदनी है, तब उसकी मेकिंग कॉस्ट होती है 550 रुपये। अगर आप फिश लेकर के आते हो तो 150 रुपीज़ का मेकिंग कॉस्ट है, वो आप देंगे तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके दी जा सकती है यहाँ पे। फिश के अलावा आपको कुछ भी खाना है, सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे आपको खाना खाना हो। और जो इसकी रेटिंग होनी चाहिए ना, मेरे अकॉर्डिंग वो रेटिंग होनी चाहिए, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इसकी रेटिंग बकायदा ये होनी चाहिए, मैंने इतनी स्वाद फिश आज तक नहीं खाई, मैं ये बोल सकता हूँ, बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों हम जो हमारी वीडियो है ना, वो YouTube पे तो डालते ही हैं, उसके अलावा हम हमारी वीडियो को Facebook और Instagram पे भी डालते हैं, और अभी मैंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, विच इज़ www. आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, virtualbanjara.com। अगर आप मेरी वीडियो से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। अगर आप कभी भी मनाली आते हो ना, तो इस टेस्ट को मत छोड़ना भाई, एक बार खा के ज़रूर देखना। तो दोस्तों आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ, अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।